हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पर। दोस्तों, योग का क्षेत्र काफ़ी विकसित होता जा रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे योगा टीचर की काफ़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। मैं सभी स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक किसी दिल्ली स्टेट की या यूपी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी लेवल पर बात कर रहा हूं। योगा टीचरों की वैकेंसी निकल रही है, गवर्नमेंट टीचरों की वैकेंसी भी निकल रही है। जो भी अच्छी अच्छी प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वो भी योगा टीचर की वैकेंसी निकाल रहे हैं। जिसमें आपको पहले पता था कि फिजिकल एजुकेशन में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीपीएस कर रहे हैं, तो दोस्तों वैसे ही योगा का क्षेत्र भी काफ़ी विकसित हो रहा है। प्राइवेट लेवल पे भी आपको एज ए फिजिकल एजुकेशन से ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप योगा सेंटर खोल सकते हैं। कोविड के बाद से सभी लोग, मोस्टली लोग, योगा के क्षेत्र की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा का प्रचार भी काफ़ी हो रहा है। पतंजलि काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग शिविर करा रही है। वो इसलिए करा रही है क्योंकि योग का आने वाला टाइम योग का ही है। 2014 से लेकर अब तक योग काफ़ी विकसित हो चुका है। हर बीमारी का संभव बीमारी का इलाज योग के माध्यम से हुआ है, आयुर्वेद के माध्यम से हुआ है। तो योगा के अगर कोर्स आप कर रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। तो मैंने अब योगा के कोर्सेज भी ऐड कर दिए हैं। आप आफ्टर 12th BA योगा, BSc योगा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आप अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते तो आप नॉन अटेंडिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपका कंफर्ट जोन रहेगा वैसे आपको कोर्सेज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप स्पेसिफिक चीज़ें सीख पाएंगे। आप अपनी फैमिली में खुद कैसे स्वस्थ रहेंगे, आप कहीं भी क्लास दे सकते हैं, पार्क में क्लास दे सकते हैं, एज अ ज्वाइन कराएंगे आपको, ये सब चीज़ें। दूसरी बात ये कि अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप योगा के क्षेत्र में कर लेते हैं तो आप काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी में इसका आपको बेनिफिट मिलेगा और आप प्राइवेट लेवल पर भी किसी स्कूल में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में ऑलमोस्ट हैं तो आप योगा का भी कोई ना कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर लीजिए या PG डिप्लोमा कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना योगा सेंटर खोल सकते हैं। आप योगा के क्षेत्र में और ज़्यादा विकसित करेंगे। अगर आप अच्छा कोर्स कर लेंगे कोई तो फॉरन यानी कि विदेश में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अच्छी जॉब की। बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी गए हुए हैं जो हमसे काफ़ी सीनियर है, वो गए हैं, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं योग के क्षेत्र में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है, BPED करनी है, नॉन अटेंडिंग करनी है, योगा के कोर्सेज करने हैं, नॉन अटेंडिंग करने हैं, DPED कोर्स हमारे यहाँ नहीं होती, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। BPS आप कर सकते हो, BPED कर सकते हो, MPED कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो योगा के, BA योगा, MN योगा कर सकते हो, BNYS, DNYS, आपको जो भी कोर्स करना है, रेगुलर करना है या नॉन अटेंडिंग करना है, दोनों ही बेसिस पर आपको मिल जाएगा, कम से कम फीस में मिलेगा। और सबसे जरूरी चीज़ आपको वैलिड यूनिवर्सिटी से मिलेगा। मेरी जो मोस्टली यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट अप्रूव यूनिवर्सिटी, यानी गवर्नमेंट जो होती है यूनिवर्सिटी, उसके सेल्फ फाइनेंस कोर्स कराते हैं, उनके एफिलेटेड कॉलेज से कराते हैं, तो उनकी वैलिडिटी यानी उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा रहती है अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से काफ़ी गुना अच्छी रहती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इजीली हो जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी डिग्री की वैल्यू भी अच्छी रहती है, NCT अप्रूव्ड रहती है, UGC अप्रूव्ड रहती है, ठीक है। गवर्नमेंट वैकेंसी में इजीली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारी वैकेंसी में फेक बनवा लेते हैं, बैकडेट बनवा लेते हैं, बैकडेट बन जाती है लेकिन वहाँ आपकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन होती है वो नहीं करते हुए, तो वहाँ पर आपसे पैसा कमा लेते हैं। तो दिक्कत कुल यही आती है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप RTI लगा सकते हैं। RTI लग के आपको मिलता है, आपका डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। आप किसी भी बेसिस पर कर लो, स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे टूर्नामेंट होते हैं, उन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे, उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। तो सारी चीज़ें ये होती है, आपके पास कोई ना कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आप BPED कर रहे हैं, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर नहीं है या आप MA योगा या आपने कर लिया तो कम से कम योगा कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों के पास नहीं होता, यानी कि सेल्फ उन्होंने कभी खेला नहीं उस चीज़ को, तो इसीलिए ज़रूरी होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगाने के लिए। अगर आपका पर्सनल अचीवमेंट भी है तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो वहाँ पे आपको उसको ना और प्रीफर किया जाता है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि उसको ही लिया जाता है, प्रीफ्रेंस आपको मिल जाती है, आप दूसरों से बेहतर हो जाते हैं जो वैकेंसी के लिए डाल दें। आपको कोई डाउट रहता है तो आपको पता है मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेशन 2024 के एडमिशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपना मन बना लीजिए। करियर के लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है।